नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने शीतलहर को देखते हुए कई जिलों के लिए जारी किया कोल्ड डे का अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश, फरवरी के पहले सप्ताह से फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका देने का अभियान शुरू करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, प्रदेश में कोविड टीकाकरण केंद्रों की संख्या 300 से बढ़ाकर 500 की जाएगी। और राज्य सरकार ने 8 फरवरी से मध्य विद्यालयों को भी खोलने की अनुमति दी, कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ, कोविड 19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। भीषण ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। ठंड के चलते सड़कों पर आम दिनों की तुलना में चहल पहल कम देखी जा रही है। वहीं कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। लंबी दूरी की ज्यादातर रेलगाड़ियां घंटों विलंब से चल रही हैं। वहीं पटना और दरभंगा हवाई अड्डे से विमानों की उड़ान और लैंडिंग प्रभावित हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम से आने वाली बर्फीली हवा के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण ठंड की चपेट में हैं। शुक्रवार को पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा और फारबिसगंज में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही, जबकि सुपौल में सीवियर कोल्ड डे रिकॉर्ड किया गया। नवादा, गया और औरंगाबाद समेत कई जिलों में बारिश भी हुई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य में शीतलहर चलने की आशंका जताते हुए कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे रहने का अलर्ट जारी किया है। कल पटना में अधिकतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में आर्द्रता 95 से लेकर 100% तक दर्ज की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि प्रदेश के अनेक हिस्सों में तापमान में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को फरवरी के पहले सप्ताह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका देने का अभियान शुरू करने को कहा है। स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाने के लिए 16 जनवरी से शुरू हुआ अभियान भी साथ साथ जारी रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी ने राज्यों को लिखे पत्र में लिखा है कि संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से राज्यों के अग्रणी कार्यकर्ताओं के डेटाबेस को अद्यतन किया जा रहा है। अब तक इस डेटाबेस में 61 लाख अग्रणी कार्यकर्ताओं के नाम हैं, जो कोविन पोर्टल पर उपलब्ध हैं। टीकाकरण के पहले चरण में देशभर के स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रणी कार्यकर्ताओं को कोरोना का टीका लगाया जाना है। राज्यों को उनकी जरूरत के अनुसार कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज उपलब्ध करा दी गई है। देश में अब तक 29,28,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 5,72,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए हैं। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 20,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने से स्वस्थ होने की दर 96.96% हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि 1,03,00,000 से अधिक लोग इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड के सक्रिय मामलों में निरंतर कमी आ रही है। इस समय संक्रमित लोगों की संख्या 1,71,686 रह गई है, जो कुल संक्रमितों की 1.60% है। प्रदेश में कोविड 19 टीकाकरण का काम हरेक जिले की जरूरत के अनुसार सप्ताह के 7 दिन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि टीकाकरण केंद्रों की संख्या वर्तमान के 300 से बढ़ाकर 500 के करीब की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिदिन करीब 50,000 स्वास्थ्य कर्मियों
और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य में अब तक 1,06,025 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। 5,62,000 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया है। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.92% तक पहुंच गई है। सक्रिय मामलों में निरंतर कमी आ रही है। इस समय विभिन्न अस्पतालों में 1,315 रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 121 संक्रमित लोगों की पुष्टि हुई है। वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गुप्ता ने देश में चलाए जा रहे कोविड टीकाकरण अभियान को पूरी तरह सुरक्षित बताया है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि लोगों को भयमुक्त होकर टीका लगवाना चाहिए। टीकाकरण में लोगों की चिंताएं होती हैं, डाउट होते हैं और उसमें उनको लगता है कि कोई साइड इफेक्ट आएगा, फायदा आएगा, किसको कौन सा लगेगा। ये नहीं कर सकते इसमें कि एक टीका किसी का लगा दें और दूसरा टीका किसी और का। इसमें जो है कई लाख लोग, मेरे ख्याल से 5-6 लाख लोग जो है वैक्सीनेटर और हेल्थ मेंबर्स जो है इन्वॉल्व है इसका टीकाकरण के लिए। 20 जो है हमारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो इसमें बहुत बड़ा स्केल पे होता है जिससे कि कोई चीज गड़बड़ ना हो। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि हमने 10 लाख टीके 6 दिन में करे। सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि हमने 10 लाख टीके बड़े सुचारू रूप से करे और उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। ये वाकई बहुत बड़ी बात। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देश को प्रदेश में यथावत लागू करने का निर्देश दिया है। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि 1 फरवरी से 28 फरवरी तक के लिए केंद्र द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को लागू करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश भेज दिए गए हैं। गौरतलब है कि कोरोना को लेकर पूर्व में जारी दिशा निर्देश की अवधि 31 जनवरी को समाप्त हो रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 8 फरवरी से कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन ग्रुप की बैठक में मध्य विद्यालयों में पठन पाठन शुरू करने का निर्णय किया गया है। वहीं नर्सरी से कक्षा 5 तक की कक्षाएं खोलने का फैसला अगले सप्ताह हो सकता है। बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार कोरोना को देखते हुए एक दिन में 50% बच्चों को ही स्कूल आने की अनुमति होगी। हालांकि अब सभी शिक्षकों को स्कूल आने की अनुमति दे दी गई है। सरकार ने कहा है कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को स्कूल भेजने का दबाव अभिभावकों पर नहीं बनाएंगे। कक्षा के दौरान मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। स्कूल प्रबंधनों को कक्षाओं में लगातार सैनिटाइजिंग अभियान चलाने को कहा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सरकार देश में वर्चुअल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इन विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर की परीक्षा को लेकर कंट्रोल रूम बनाया है जो आज से काम करना शुरू कर दिया है। परीक्षार्थी कंट्रोल रूम के माध्यम से एडमिट कार्ड से जुड़ी त्रुटियों को ठीक करवा सकते हैं। इसके साथ ही अन्य आवश्यक जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस बीच इंटर परीक्षा को लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर आज सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी और पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 13,50,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 45,000 अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में अब जाति, आय और आवास समेत अन्य प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी जारी करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को पत्र भेज दिया है। इस तरह के प्रमाण पत्र अब तक अंचलाधिकारी द्वारा जारी किए जाते थे। इन प्रमाण पत्रों को बनवाने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 73वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज ही के दिन 1948 में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है।
इधर पटना समेत प्रदेश भर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और newsonair मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। राजद, कांग्रेस और वाम दलों समेत अन्य विपक्षी दल 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आज प्रदेश में मानव श्रृंखला बना रहे हैं। प्रदेश में 16,000 और गांवों में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली जाएगी। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत पशुपालकों तक विकास योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कड़ी होगी। पशु और मत्स्य संसाधन विभाग ने बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कॉम्फेड को इस संबंध में दिशा निर्देश भेज दिए हैं। गौरतलब है कि फिलहाल राज्य में 24,000 डेयरी कोऑपरेटिव हैं। 16,000 नए कोऑपरेटिव खोलने के साथ ही इनकी संख्या 40,000 हो जाएगी। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिजली कंपनियों से स्मार्ट मीटर लगाने का काम तय समय सीमा पर पूरा करने को कहा है। कंपनी के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को बिल में 3% की छूट देने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर घर बिजली पहुंचाने के बाद अब हर खेत तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संसद में दिए गए अभिभाषण को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, कृषि कानूनों पर अदालत का फैसला मानेगी सरकार। इसी अखबार ने नियोजित शिक्षकों की मेधा सूची गायब होने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, मेधा सूची नहीं मिली तो नपेंगे डीईओ। दैनिक जागरण ने केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, भारत महामारी की त्रासदी से उबर 11% विकास दर की ओर। दैनिक भास्कर ने किसान आंदोलन से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, सिंघू टीकरी पर गांव वाले और किसान भिड़े, थाना प्रभारी पर तलवार से हमला। प्रभात खबर ने सड़क निर्माण से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, अगले साल गांधी सेतु के 2 लेन सहित 3 सड़कों की मिलेगी सौगात। राष्ट्रीय सहारा ने शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी के विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने शीतलहर को देखते हुए कई जिलों के लिए जारी किया कोल्ड डे का अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश, फरवरी के पहले सप्ताह से फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका देने का अभियान शुरू करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, प्रदेश में कोविड टीकाकरण केंद्रों की संख्या 300 से बढ़ाकर 500 की जाएगी। और राज्य सरकार ने 8 फरवरी से मध्य विद्यालयों को भी खोलने की अनुमति दी, कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।